हेलो केवल टाइगर्स का स्कोर इस समय पहुंचा है 24 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ है। 18 ओवर्स का मैच खेला जा रहा है इस समय। इस बार दिख रही गेंद जो है वो 4 रन के लिए। तो यहाँ पे जिस तरीके से शुरुआत की है, काफी खराब शुरुआत है, लेकिन इस चौके से कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल मदद मिल सकती है। समीर ने अभी तक 1 ओवर डाला है, 4 रन दिए हैं। 28 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 4.1 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। प्रोजेक्टेड स्कोर 121 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। केवल 18 ओवर्स का मैच खेलना पड़ेगा दोनों टीमों को यहां पे। अनंतनाग टाइटंस गेंदबाजी अभी तक अच्छी की, लेकिन इस बार विकेट कीपर थोड़ा सा चूके, डाइव जरूर लगाई थी लेकिन गेंद उनसे छिटकते हुई। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, वापस थ्रो किया जाता, बल्लेबाजों ने रन चुराए। रन रेट 6.72 की औसत के साथ यहाँ पे रन बन रहे हैं इस समय। बीपीएल 2023 और इस टूर्नामेंट का ये 3रा ऑडिशन जो है चल रहा है। काफ़ी लंबा समय जो है अभी तक का फिलहाल लगा है इस इवेंट को। 30 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। समीर की अगली गेंद, इस बार फिर से दोनों बैट्समैनों के बीच आपस में जो तालमेल है वो सही नजर नहीं आया। कभी कॉल आया कि आ जाइएगा रन्स के लिए, कभी नहीं। कनवल टाइगर्स दोनों बल्लेबाज इस समय क्रीज पर। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, अपनी टीम को आगे लेकर जाएंगे। सामने अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस बार, बल्ले के बीचम बीच लगा वहां पे थ्रो, लेकिन विकेट पे लगा नहीं वापस फील्डर के द्वारा जो किया गया थ्रो। स्कोर की संख्या अभी भी 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 4.4 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ है फिलहाल। प्रोजेक्टेड स्कोर 120 के आसपास जाएगा। अनंतनाग टाइटंस और कनवल टाइगर्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है फिलहाल। अगली गेंद, गेंद का आने का इंतजार किया, हल्के से पुश किया था पॉइंट की दिशा में। शॉर्ट पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने की संभावना नहीं। हालांकि अभी अगर बात की जाए, अभी तक जिस तरह से गेंदबाजी यहां पे की गई है और अच्छी गेंदबाजी, फिलहाल शुरुआत में ही 3 विकेट अभी तक चटकाए जो कि जरूरत थी नहीं यहाँ पे। रन रेट की बात करें 6.41 की औसत के साथ यहाँ पे रन्स बन रहे हैं फिलहाल। अगली गेंद फिर से, लेकिन रन चुराने का कोई समय नहीं बल्लेबाजों के पास। तो इसके साथ ही 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर के बाद 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पर अदनान टाक 7 गेंदों का सामना किया है, केवल 2 रन्स बनाए हैं। मुहीब 15 गेंदों का सामना किया है, टोटल 14 रन्स बनाए हैं। आप भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर मैच लाइव देख रहे हैं तो आप हम तक वीडियो पहुंचा सकते हैं, जो वीडियो लाइव टेलीकास्ट के दौरान आप तक पहुंचाया जाएगा। सुपर फैन बनने का मौका आपको मिलेगा बीपीएल के ऑफिशियल पेज पर। 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल फिलहाल समाप्त हुआ है। कनवल टाइगर्स और मोहसिन गेंदबाजी के मोर्चे पे आए हैं। अनंतनाग टाइटंस आज एक टाइट वाली गेंदबाजी फिलहाल,
हालांकि 3 विकेट्स लेने में उनके गेंदबाज कामयाब हुए हैं। यहां पे अगली गेंद ऑस्टम से काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा आता हुआ। अभी तक अच्छी गेंदबाजी यहां पे फिलहाल, लेकिन पहला वाइट यहां देखने को मिला। बत्तीस रन 3 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और प्रोजेक्टेड स्कोर 115 के आसपास देखने को मिल रहा है। इस बार खेला जरूर है, गेंद को उस तरफ, खिलाड़ी मौजूद, एक रन और खाते में। आसानी के साथ चहलकदमी करके बल्लेबाजों ने रन पूरा किया। कनवल टाइगर्स का स्कोर इस समय पहुंचा है 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5.1 ओवर का खेल फिलहाल समाप्त हुआ है। अदनान टाक अभी तक 7 गेंदों का सामना किया है, 2 रन बनाकर सामना करेंगे इस समय मोहसिन की अगली गेंद का। मोहसिन अभी तक 1 गेंद डाली, 2 रन खर्च किए हैं। मोहसिन की अगली गेंद, इस बार इस गेंद को खेला जरूर वहां पे, अच्छी कोशिश फील्डर के द्वारा, जो कि बड़ा रन जरूर था अगर फील्डर्स के द्वारा गेंद पकड़ी जाती तो निश्चित रूप से कारण बन सकता था वहां पे रनआउट का, या फिर 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी का 6 ओवर इस समय प्रगति पे चलता हुआ। कनवल टाइगर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अच्छा स्ट्रोक इस बार बैट पर लगते ही गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी है 4 रन के लिए। तीन विकेट के नुकसान पे अगली गेंद इस बार बल्ले के साथ से जाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी 38 रन मोहसिन 4 गेंदे कर चुके हैं, 7 रन अभी तक खर्च किए हैं फिलहाल। सिंगल सिंगल के साथ रोटेट कर रहे हैं यहां पे। काफी मुश्किल में डाला था यहां बैट्समैन को थोड़ा, बल्लेबाज जो है वो जल्दी से करीज पर पहुंच गए। अगर थोड़ा सा जो कि यहाँ पे थोड़ा सा बल्ला हवा में रहता तो फिर शायद थर्ड अंपायर की तरफ इशारा जरूर आता। अगली गेंद इस बार फिर से सिंगल के लिए, दूसरे रन के लिए वापस लौट रहे हैं और निश्चित रूप से दूसरा रन जो है कितना आसान होगा यहाँ पे।
40 चौथा विकेट भी यहां आउट होता हुआ। चालीस चार विकेट के नुकसान पर चौथा खिलाड़ी भी आउट होके वापस लौटा है। कनवल टाइगर्स की बात करें, 40 रन, तीन विकेट के, चार विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। काफी जल्दबाजी में बल्लेबाज यहां नजर आए थे, जरूरत थी नहीं रन चुराने की, लेकिन रन चुराया वहां पे, लेकिन तब तक काम तमाम हो गया था। देखिएगा बल्लेबाज का बल्ला जो है वो पहले से ही काफ़ी हवा में था, वहाँ पे करीज में पहुँच नहीं पाए थे और विकेट यहाँ पे मिला इस समय। 41 रन, चार विकेट के नुकसान पे। बयालीस रन, चार विकेट के नुकसान पर 6.1 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। फिलहाल 18-18 ओवर्स का मैच है, लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत थी फिलहाल अभी अच्छी शुरुआत नहीं है। चार विकेट्स जो हैं वो 42 रन पर गिरे हैं, यानी चार महत्वपूर्ण बल्लेबाज जो शुरुआत में अभी तक अनंतनाग टाइटंस आउट करने में कामयाब। अगली गेंद इस बार फिर से चहलकदमी करके बल्लेबाजों ने सिंगल चुरा लिया। स्ट्रोक लिया, फील्डर वहां मौजूद, कोई नुकसान नहीं। जो किम्बरा रन कोशिश करी गई थी वहां पे, लेकिन जिस तरीके से अभी तक गेंदबाजी हुई है, लाजवाब गेंदबाजी। फिलहाल इस बार फिर से इस गेंद को खेला, जरूर सिंगल रोटेट करेंगे बल्लेबाज आसानी के साथ। पैंतालीस चार विकेट के नुकसान पे चार खिलाड़ी जो है आउट होके वापस लौट चुके हैं फिलहाल पवेलियन में। वाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। कनवल टाइगर्स 46 रन, चार विकेट के नुकसान पे, 7 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हुआ है। फिलहाल कनवल टाइगर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अनंतनाग टाइटंस जो है अभी तक अच्छी गेंदबाजी का प्रयास किया गया इनके द्वारा। अदनान टाक ने 11 गेंदों का सामना किया है, केवल 5 रन बनाए हैं। केवल टारगेट अभी तक बात करें तो 46 रन टोटल बना है अभी तक, और इन 46 रन के लिए जो है 4 विकेट्स अभी तक गवाए हैं। अभी अभी जो इससे पहले रन आउट हुआ था वहां पे जरूरत थी नहीं वो जोकिम बरा स्ट्रोक खेलने का, लेकिन फिर भी बल्लेबाजों ने वहां पे वो गलती करी और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा।
46 चार विकेट के नुकसान पर। सात ओवर का खेल समाप्त हुआ है, फिलहाल 18-18 ओवर्स का मैच है। 118 के आसपास ये टारगेट जाता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। अयाज गेंदबाजी के मोर्चे पे, सीधा सीधा रनअप है और इस बार इस गेंद को उठाकर खेला है, खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर जाएगी, अंपायर का इशारा भी आता हुआ 6 रन्स के लिए। तो इसके साथ ही 50 रन पूरे हुए यहां पे, यानी 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 7.2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है फिलहाल। और फिलहाल कंडीशंस की बात अगर की जाए तो गेंदबाज जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, इस पर अच्छी गेंद थी लेकिन बैट्समैन ने कट किया था, लेकिन सीधे फील्डर के पास, कोई रन बनाने की संभावना नहीं। एक चौका और यहां पे मिलेगा। सत्तावन चार विकेट के नुकसान पर। 7.4 ओवर इस बार लेग स्टंप्स की तरफ गेंद गई है। आखिरी समय में बल्ला जरूर अड़ाया है बैट्समैन ने, लेकिन अभी अंपायर का इशारा क्या लेग बाई का आएगा? जी नहीं, बैट से लग गई थी गेंद। उनसठ रन केवल फिलहाल। एक बार फिर से बल्लेबाज को चकमा दिया तो 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 8 ओवर के बाद 59 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अभी तक 4 खिलाड़ी जो हैं वो आउट होके वापस लौटे हैं फिलहाल पवेलियन में। प्रोजेक्टेड स्कोर जो है 133 रन के आसपास यहां जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से यहां पे विकेट गिर रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा कि यहां पे 130 बन पाए। रन रेट की बात करें तो 7.38 की औसत के साथ यहां पे रन्स बन रहे हैं। साठ रन 4 विकेट के नुकसान पे।
और ये यासिर ने अपनी विकेट फजूल में दे दी। जल्दबाजी कर रहे हैं कनवल टाइगर्स, जिस हिसाब से इनके विकेट्स गिर रहे हैं नहीं लगता है 130 भी कर पाएंगे। अगर इनको अच्छा खासा स्कोर बनाना है अभी भी मौका है, ये सोच समझ के बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर ये करेंगे सोच समझ के बल्लेबाजी तो शायद एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाए अनंतनाग टाइटंस के खिलाफ। अगर इस हिसाब से अपनी विकेट्स देंगे तो ये अनंतनाग को आसानी से ये मैच उनके हाथ में है, तो इनको चाहिए कि ये सोच समझ के खेले। न्यू बैटर जुनैद डार, देखते हैं क्या कर पाएंगे जुनैद डार। अच्छा सम्मान दिया बॉलर को, बॉल को डिफेंस करके और आसानी से रन चुराई। कनवल टाइगर्स को ये भी जहन में रखना है कि 18-18 ओवर्स का मैच है, तो सोच समझ के खेलना है। फिर से एक बार जुनैद स्ट्राइक पे, क्या लगता है आपको जिस हिसाब से कनवल टाइगर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं क्या स्कोर होगा इनका? फिलहाल तो सबसे पहले इनको विकेट्स रोकने पड़ेंगे अगर एक अच्छा टारगेट देना है यहाँ पे। फिलहाल 5 विकेट गए हैं 65 पे। फिलहाल एवरेज के हिसाब से अगर बात की जाए तो 130 तो बनेगा, लेकिन अभी आने वाले जो बैट्समैन हैं क्या वो रन्स बनाएंगे या फिर कोई और विकेट जाएगा? मुझे तो लग रहा है यहाँ विकेट जा सकता है, क्योंकि सही नियंत्रण में बल्लेबाज नज़र यहाँ पे आ नहीं रहे। स्ट्रोक जो हैं वो उठती हुई गेंदों पर भी ट्राई कर रहे हैं वो, लेकिन फिलहाल 66-5 विकेट के नुकसान पर 9.3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 125 के आसपास के आंकड़े यहाँ देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल 6.95 के औसत के साथ रन बन रहे हैं, 7 से भी कम का औसत अब हो गया है कनवल टाइगर्स। अदनान टाग का अभी तक 19 गेंदों का सामना किया है, केवल 14 रन बनाए हैं, और जुनैद डार अभी तक 2 गेंदों का सामना कर चुके हैं, केवल 2 रन बनाए हैं। अनंतनाग टाइटंस फिलहाल मजबूत गेंदबाजी करते, उस बार टप्पा लगने के बाद ऑस्टम से बाहर की तरफ गेंद निकली। लॉस ऑफ 5 विकेट। फिलहाल दोनों टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन अपना जो चौथा मैच है इनका वो बचा है, तो चौथा मैच अपना खेल रहे हैं।
हालांकि दोनों टीमों को इस मैच को जीतने से या हारने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैच अपना खेल रहे हैं। जो चार मैचेस खेलने हैं इस लीग मुकाबले में, इस लीग टूर्नामेंट में, तो वो अपना मैचेस खेल रहे हैं। 68 रन 5 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। यहाँ खिलाड़ियों को भी ऐसा लग रहा है जैसे एक प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम एक अभी लाइव चल रहा है, लोग देख भी रहे हैं। 69 रन 5 विकेट के नुकसान पर 10.1 ओवर का खेल। आप भी इस लाइव टेलीकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं किसी भी मैच का, आपने अपने दोस्तों के साथ अगर आप मैच देख रहे हैं अपने बिजनेस पॉइंट पर या फिर किसी फ्रेंड सर्कल में आप मैच देख रहे हैं, आप अपना वीडियो हम तक पहुँचा सकते हैं। लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका वीडियो जो है हम आप तक पहुंचाएंगे। 75 विकेट के नुकसान पर 10.2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। अगली गेंद हल्के हाथों खेला, एक रन आसानी के साथ बल्लेबाजों ने जोड़ा। इस एक रन के साथ 70 रन 5 विकेट के नुकसान पर 71 रन हो चुका है 5 विकेट के नुकसान पे। बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब जाकर इस गेंद को रोका। 72 रन 5 विकेट के नुकसान पर 10.4 यानी पारी का कुल मिलाकर 11वां ओवर जो है प्रगति पे चल रहा है। केवल 18 ओवर्स का मैच खेला जा रहा है। बढ़िया स्ट्रोक वहां पे, खराब गेंद थी, पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने और गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 6 रन के लिए। बिल्कुल गेंदबाज ने जो गेंद डाली थी वहां पे सीधे लाइन पे डाली थी और बल्लेबाज ने कोई गलती नहीं की वहां और इस खराब गेंद को सही जगह पर पहुंचाया 6 रन के लिए 78-5 विकेट के नुकसान पे। जैसे कश्मीर का सीजन खत्म होगा, जम्मू का सीजन जो है स्टार्ट होगा और सीजन का पहला टूर्नामेंट जो है वो एलजी कप राजौरी में जो है स्टार्ट हो रहा है, जहां स्टेट स्पोर्ट्स लाइव आपको लाइव करते हुए नजर आएंगे। और अगर आप भी वहां पे अपनी टीम में इंटर कराना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। हल्का सा मिसफील्ड हुआ वहां पे, जैसे मैं बात कर रहा था कि जम्मू का सीजन अब स्टार्ट होगा, जैसे यहां पे सीजन ऑफ होगा दिसंबर का, और क्योंकि अब इसी महीने में जो है एलजी का प्रजोरी में जो है स्टार्ट हो रहा है, जो इंटरेस्टिंग टीम्स हैं वो यहाँ मुगल रोड से बहुत नज़दीक पड़ता है, तो अपनी टीम जो है रजिस्टर करा सकते हैं वो एलजी का प्रजोरी, जिसका दूसरा एडिशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अठहत्तर 5 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ है फिलहाल। अच्छा शॉट, तेजी के साथ बल्लेबाजों ने रन पूरा किया। 79 रन 5 विकेट के नुकसान पे दोनों टीमें जो है इस श्रृंखला यानी इस लीग से फिलहाल बाहर का रास्ता नाप चुके हैं। चासी 5 विकेट के नुकसान पे क्या है, कौन करवा रहा है, कौन फारूक सर, सलरी कौन है। अपील इस बार, लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकार दिया।
अनंतनाग टाइटंस के जो गेंदबाज है थोड़ा सा मस्ती में लग रहे हैं, और ये मस्ती कहीं आज एक बार फिर उनको हार का मुंह दिखा दे, क्योंकि शुरुआत में विकेट लिए थे। उसके बाद यहाँ ये देखिएगा, खराब गेंद है ये फुल टॉस से भी ऊपर की गेंद है ये, लेकिन जब आप ओस्पिन आकृतमत के साथ जाते हैं तो आपकी लाइन और लेंथ जो है वो सीधे पेड और बल्लेबाज बल्ले के बीच में होनी चाहिए, ताकि आप इस बार अच्छी गेंद। छह एक्स्ट्रा आए हैं, पहला विकेट 6 पर, दूसरा 7 पर, तीसरा 22 पर गिरा था, चौथा 41 पर, पांचवा 64 पर, और अब जाकर 12 ओवर्स के बाद 87 रन हो चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर्स का खेल समाप्त फिलहाल। हमारे स्टूडियो में गोसिया यूसुफ आपको आगे कांकुर का हाल सुनाएंगी। आप जिम्मेवारी है आपकी, आप कुछ ही बोलोगे, आप पता है कौन बोल रहा है। अनंतनाग टाइटंस लगता है मैच हाथों से छोड़ने की सोच रखी है इन लोगों ने। जैसे हमने देखा पहले ओवर्स में तो अच्छी खासी गेंदबाजी की थी इन लोगों ने, जल्दी जल्दी विकेट्स चले गए थे कमल टाइगर्स के, तो अब ये अनंतनाग टाइटंस जो है मैच को छोड़ रहे हैं अपने हाथों से। इनको चाहिए कि अगर इनको ये मैच जीतना है तो इनको सोच समझ के गेंदबाजी करनी पड़ेगी। बारह ओवर की समाप्ति 92 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड। जुनैद डॉर ऑन स्ट्राइक, अच्छा शॉट जुनैद डार के बल्ले से, बल्ले के बीचों बीच लगी ये बॉल और स्कोरबोर्ड में 4 रन का इजाफा। संभल के भी खेलना है, विकेट्स भी बचाने हैं और स्कोर की तरफ भी ध्यान रख के खेलना है बल्लेबाजों को। फुल टॉस गेंद और अच्छा सामान दिया बॉल को, स्कोरबोर्ड में 6 रन का इजाफा। और ये शॉट जुनैद डार के बल्ले से निकला, बेहतरीन बल्लेबाजी जुनैद द्वारा।
वाइड का इशारा, अंपायर द्वारा स्कोर बोर्ड में एक और रन का इजाफा। शुक्रिया गौसिया बिजबराड़ा के इस खूबसूरत ग्राउंड से, जिसे मेरी नज़र में इंटरनेशनल लुक दे रहा है। अगर मैं टर्फ की बात करूंगा तो वैली में ऐसी टर्फ कहीं भी नहीं है। यहां पर आज मैच कंवर टाइगर्स और आईबी स्पोर्ट्स के दरमियान खेला जा रहा है। तो इस वक्त स्कोर मैं आपको बताते चलूँ, स्कोर इस वक्त है 106 ऑन द बोर्ड। वी आर इन द इनिंग्स का ये कौन सा बोल 13.3 आवर्स हैज बीन बोर्ड, 106 ऑन द बोर्ड। वी आर गिविंग यू द लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम बिजबराड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल, वेयर द बीपीएल इज वेरी मच ऑन, ऑलमोस्ट कमिंग टुवर्ड्स द एंड। अभी मैं आपको बताते चलूं कि कल का जो मुकाबला होगा, कल का काफ़ी दिलचस्प मुकाबला रहेगा। सुबह यहाँ बिजबराड़ा स्पोर्ट्स क्लब खेलेगी, तो उनके लिए भी ड्रॉ डाई की सिचुएशन है। लेकिन बहरहाल इस मैच की अगर बात करते हैं तो ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा बैक टू द बॉलर खेला, किसी रन का इजाफा नहीं। स्कोर 110 फॉर 13.5 ओवर्स गॉन, दिस मैच इज जस्ट ऑफ 18 ओवर्स। कॉमनवेल्थ टाइगर्स बैटिंग फर्स्ट, 1-0, 1-1-0-5, 1-1-0-4-5, दिस वन हैज बीन लॉफ्टेड, लेट अस वेट एंड सी, इनटू द फैनस फॉर ए ह्यूज सिक्स। अभी हालांकि अंपायर ने दोनों हाथ रिप्ले आ रहा है, देखते हैं अंपायर को अभी पता चलेगा गेंद 6 के लिए या 4 के लिए। बहरहाल बहुत अच्छा स्ट्रोक था या जुनेद के बल्ले से, तो स्कोर में 6 रन का इजाफा, स्कोर 116। तो जुनेद की अगर बात करूंगा, जुनेद 40 फर खेल रहे हैं, 20 गेंदों का सामना किया, और अगर नॉन टॉक की बात करूंगा 25 रन बनाए, 28 गेंदों का सामना किया है। तो कल के मैच के बारे में बता रहा था कि कल बिजबराड़ा स्पोर्ट्स क्लब का मैच यहां पर होगा, उनके लिए उन्होंने 3 मैच खेले, 1 हारा 2 जीते, तो कल का मुकाबला उनके लिए बहुत ही अहम रहेगा। हालांकि अगर मैं आज के मैच की बात करूंगा तो कंवल टाइगर्स ने अभी तक कोई मैच नहीं जिताया। इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा आईबी टाइटन्स की, तो उन्होंने भी आज तक कोई मैच नहीं जिताया इस लीग का। तो बहरहाल आज का मैच चाहे उन्हें लीग में न रखे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल लेकर जाएंगे कि हमने बीपीएल खेला तो कम से कम एक मैच ही जीता। बहरहाल बॉलिंग में अभी देखते हैं 116-5-14 ओवर के इख्तिताम पर अब गेंदबाजी के लिए आए हैं। इस गेंद को निकाल दिया है पीछे फील्डर जरूर, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले अपने घर, दोनों सही सलामत, एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हो 117 फॉर द लॉस ऑफ 5। 14.1 ओवर्स हैज बीन ऑलरेडी बोर्ड, दिस वन हैज बीन प्लेड जस्ट फॉर 1 मोर रन, स्कोर 118। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जितने भी लीग, अगर मैं साइनस कॉलेज की बात करूंगा, अगर बिजबराड़ा के, दिस वन हैज बीन लॉफ्टेड, लेट अस 1-2-3 बाउंसेस इनटू द लॉन्ग ऑन बाउंस बाउंड्री फॉर 4, दिस वाज ए वेरी गुड शॉट, दैट वाज ओवर पिच एंड ही केम ऑन टू फ्रंट फुट एंड लॉफ्टेड इट ओवर द बॉलर्स हेड फॉर ए 4 फॉर 4, स्कोर मूव्स टू 1-2-2 फॉर 5। 14.3 ओवर्स गॉन। अगर मैं साइनस कॉलेज की बात करूंगा तो मुझे लगता है दिस वन हैज बीन अगेन प्लेड बाय अदनान टॉक, दे आर विल दे गो फॉर सेकंड, नो कंसंट्रेटिंग जस्ट ऑन सिंगल, स्कोर मूव्स टू 1-2-2, 1-2-3 ऑन द बोर्ड। तो इसके बाद मुझे लगता है 3 ओवर का खेल, 14.4 ओवर हो चुके हैं, और उसके बाद इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल आने को बाकी है। मुझे लगता है यहाँ से अगर ऐसी बल्लेबाजी होती है तो 170-175 ऑन द कार्ड्स। दिस वन हैज बीन प्लेड टूवर्ड्स ऑन साइड जस्ट फॉर 1, विल दे गो फॉर सेकंड, नो, यस, 2 रन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने तेज कदमों से भागे और स्कोर बढ़ता हुआ 125।
मैं भी बात कर रहा था, अगर मैं पूरी वैली की बात करूंगा, इस जैसा ग्राउंड खूबसूरत, और उसके साथ साथ अगर मैं लीग की बात करूंगा, इनके पास एक फॉर्मेट रहता है, एक प्रोग्राम रहता है। इनके मैचेस मैंने देखे अक्सर, जिनका फिक्सचर आता है वो चेंज नहीं होता। और दूसरी बात, बिल्कुल अगर इनका रिपोर्टिंग टाइम क्वार्टर टू 10 है तो बिल्कुल उसी वक्त टॉस होता है और 10 बजे ठीक ये खेल शुरू होता है। तो यहाँ आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। और अक्सर मैं देखता हूँ किसी जगह लीग जो होती है वो डिफरेंट यूनिफॉर्म्स में होती है, लेकिन यहाँ आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अंपायरिंग की अगर मैं बात करूँगा तो सुबह मैच शुरू होने से पहले उनसे फ़ोन छीनी लिए जाते हैं। 15 ओवर इख्तिताम पजीर, 129 फॉर द ब्लॉस ऑफ 4, जुनेद ऑन 47 एंड अदनान टॉक ऑन 31 ऑफ 31 डिलीवरीज, यानी उसका रन रेट जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम। लेकिन अगर मैं बात करूंगा जुनेद की, मेरे साथ गौसिया भी बैठी है, गौसिया जो कि जिनको मैं बिल्कुल ये हर रोज़ यहाँ पर प्रैक्टिस करने आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। जबकि अगर मैं बच्चों की बात करूंगा, मेल्स की बात करूंगा, तो क्रिकेट हमें बिल्कुल ड्रग एडिक्शन से बाहर रखता है। तो एस बी आ गया है और गेंद को लॉफ्ट किया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए, दैट इज़ 54, नो दैट वॉज अदनान टॉक। यदनान टॉक के बल्ले से निकलता हो ये आतिशी स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए, और प्ले में भी हाँ बिल्कुल आ गया है, फुल टॉस गेंद को बिल्कुल अगले कदम पर आ गया है और गेंद को लॉफ्ट किया, स्कोर बढ़ता हुआ 135। मैं 170-175 की बात कर रहा था, तो मुझे लगता है अगर ऐसे एक दो छक्के लगे तो 170 से 175 ऑन द कोर्स है। बॉलर थोड़ा सा नाखुश मुझे लगता है कि छक्का खाने के बाद, क्योंकि बॉलर को विकेट चाहिए, जब छक्का मिलता है तो बॉलर थोड़ा सा ना। अगर मैं गौसिया की बात करूंगा, गौसिया एक उभरती हुई नौजवान क्रिकेट खिलाड़ी है, तो बिलोंग करती है सैमटन से, काफ़ी जोश है इनमें, अगर मैं पैशन है। दिस वन हैज़ बीन प्लेड, लेट अस सी एंड वेट वेदर जस्ट फॉर वन स्कोर मूव्स टू 136। अगर मैं इस विकेट की बात करूंगा तो इसमें परवेज़ रसूल ने आज से 3-4 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया। यहाँ बच्चों को मालूम ही नहीं होता ये टर्फ क्रिकेट होता क्या है। परवेज़ रसूल ने अपने पैसे से यहाँ पर इस बीच आ गया है और इस तरह से मुझे लगता है अंपायर के आम बैट्समैन जुनेद जो आगे आकर गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे, तो पीछे विकेट कीपर काफ़ी चुस्त थे, उन्होंने सिटम करके जुनेद की बारी का इख्तिताम किया। मुझे लगता है यहाँ से रिप्ले आ, बहुत ज़बरदस्त कीपिंग अगर मैं कहूँगा, नहीं वो अभी तो सुरक्षित है अपनी क्रीज पर, नहीं अभी फैसला नहीं हुआ शायद, अभी फैसला आने को बाकी है। सॉफ्ट सिग्नल आउट था, तो अभी देखिए अलर्ट आउट था, अभी रिप्ले के लिए जा रहे हैं, तो आउट का इशारा अब आ रहा है। तो इस तरह से जुनेद स्टंप आउट होकर उन्होंने बेहतरीन बारी यहाँ पर खेली। तो मैं टर्फ की बात कर रहा था गौसिया, ये परवेज रसूल की काविशों का नतीजा है, जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया बच्चों को यहाँ पर। सिर्फ एक जब पहला मैच यहाँ गए सीर 11 की बात करूँगा, उन्हें 11 रन बनाए, क्योंकि बच्चों को मैट पर खेलना पसंद करते थे, लेकिन टर्फ पर उनको मालूम ये टर्फ होती क्या। तो बाद में यहाँ साउथ में, अगर मैं साउथ की बात करूँगा तो साउथ में बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पर एक इनिशिएटिव जो परवेज़ रसूल ने लिया, उसके साथ साथ अब मुझे लगता है 80% ग्राउंड्स यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर आपको टर्फ, अगर मैं सीर की बात करूँगा, सालिया की बात करूँगा, मटन की बात करूँगा, नानियल की बात करूँगा, अगर मैं लकटीपोरा की बात करूँगा, तो इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को निकाल दिया बल्लेबाज ने, एक सिंगल दौड़ा दोनों बल्लेबाजों ने, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, स्कोर में 1 रन का इजाफा 136। तो आज मुझे लगता है कुछ यंगस्टर्स कमल टाइगर्स के लिए बेबी परवेज रसूल का एक सोच है, एक उनका उनकी महानता की अगर मैं बात करूँ क्रिकेट को डेवलपमेंट करने में जिनका उतना साथ है। मुझे लगता है कि दिस वन हैज़ बीन ब्यूटिफुली प्लेड बाय अदनान टॉक टुवर्ड्स द डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री फॉर ए 4, स्कोर मूव्स टू 141, 15.5 ओवर। बहुत सुंदर सा स्ट्रोक अदनान टॉक के बल्ले से, फ्यूचर है वो बिजबराड़ा के, जरूर फ्यूचर है बिजबराड़ा के। तो बिजबराड़ा जो कि उसको मदर ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा कोशिश, दिस वन हैज़ बीन अगेन प्लेड टुवर्ड्स द डीप लॉन् ग ऑन जस्ट फॉर 142 फॉर द लास्ट ऑफ 6 आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ 16 ओवर्स।
तो मेरे साथ बैठे हुए हैं मेरे कैमरामैन, जो बिल्कुल यहाँ से मुझे लगता है जब हम घर बैठे इस कमेंट्री इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देखते हैं तो मुझे लगता है पूरा, जिसका अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूँ, जिस तरह का वहाँ रिप्ले मिलता है या जिस तरह का वहाँ पर हमें टीवी में दिखता, तो ऐसी ही एक कोशिश है परवेज रसूल की। चारों ओर कैमरे लगे हुए हैं, यू कैन गो फॉर रेफरल, यानी इसमें अगर मैं कहूँगा तो आप रेफरल के भी जा सकते हैं, तो रिव्यू के लिए भी जा सकते हैं, उसमें सुविधा है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा काम किया, मुझे लगता है कि ये पहला ग्राउंड है जहाँ ऐसी सुविधा हो। तो बहरहाल अगर मैं मोहम्मद शफी की बात करूँगा, अब वो मेरे करीबी दोस्तों में आते हैं, जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ, इवन कभी कभी शाम के 8:30 भी वो टर्फ विकेट पर रहते हैं। टर्फ विकेट को निखारने में मोहम्मद शफी का बहुत बड़ा हाथ है। उसके साथ साथ मैं ग्राउंड्समैन की बात करूँगा अर्शद की, वो भी बिल्कुल सुबह 7:30 के बाद यहाँ से सुबह यानी 8:30 को यहाँ से घर चले जाते हैं। बहरहाल अदनान टाक ने इस गेंद को लॉफ्ट किया है हमारी कमेंट्री बॉक्स के नीचे 6 रन के लिए। अदनान टाक का सुंदर स्ट्रोक अगले कदम पर आए और गेंद को लॉफ्ट किया है 6 रन के लिए। 148 16.1। शाहजहाँ यहाँ से क्या देखती है, 148 हुआ है, 6 अभी 11 गेंद आने को बाकी, कहाँ तक आप जाती है स्कोर को, कहाँ तक आप देखती है? प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें तो जिस हिसाब से अभी अदनान टाक खेल रहा है शायद 160-170 स्कोर, मैं आपको बता दूँ स्कोर होगा 175 से आगे स्कोर होगा, मुझे लग 175 के आसपास होगा। बहरहाल सुविधा देखो किस तरह की है। आकिब मीर का कल का मैच, सिमटेक प्लेइंग बिजबाड़ा स्पोर्ट्स क्लब, दिस मैच विल बिगिन एट sharp 10। उसमें आपको परवेज रसूल, आसिफ रसूल, आकिब मीर और उनके साथ साथ अगर मैं इशफाक ब्रैसमिन की बात करूंगा, बड़े बड़े खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। तो बहरहाल अदनान टाक 49 रन पर खेले, 36 गेंदों का सामना किया, आउट हो गए अदनान टाक। अदनान टाक का विकेट चला गया है लेकिन 1 रन से, चूंकि वो 50 पूरा क्लीन बोल्ड है। कल का मैच बिजबाड़ा स्पोर्ट्स क्लब प्लेइंग सेमटेक, तो ये ज़बरदस्त मुकाबला रहा है। इस पहली इनिंग ये सुबह बिल्कुल 10 बजे से आपको ये मैच मिलेगा, जिसमें आपको इंटरनेशनल आइकॉन प्राइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर परवेज रसूल को आप देख सकते हैं। परवेज रसूल की बात करूँगा क्रिकेट को छोड़कर, ए टॉप क्लास, मैं समझता हूँ मैंने उस जैसा। और दूसरी, अगर मैं दूसरी मीटिंग की बात करूँगा, सैटरडे को आपको एक और मैच मिलेगा, एलिगेंट स्ट्राइकर्स विल प्ले सुनालैंड विल प्ले एलिगेंट ने मुझे लगता है बहुत अच्छा यहाँ पर किया, काफ़ी मैचेस देते हैं सुनालैंड की अगर बात करें, बाद में आपको ये बताते चले ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है वो भी, लेकिन वो होगा शनिचर को 2 बजे। कल यहाँ पर नहीं, शनिचर को, हाँ 2 बजे, कल ही ये 2 बजे का मैच होगा, सुनालैंड विल प्ले एलिगेंट स्ट्राइक। और सुबह का मैच बिजबाड़ा स्पोर्ट्स क्लब प्लेइंग सिमटेक्स, तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहेगी। जब भी बिजबाड़ा स्पोर्ट्स क्लब का मैच आता है तो लोग बिल्कुल जोग दर जोग चले आते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा शाजिया की, शाजिया से मैं यहां अक्सर रहता हूं उस ग्राउंड में, तो बिल्कुल सुबह सवेरे प्रैक्टिस के लिए आती हैं। उबैद को अब यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है, उबैद भी लंबे स्ट्रोक खेलते हैं। लेकिन अदनान टाक की अगर मैं बात करूँगा, ही इज प्लेड ब्यूटिफुल नॉक ऑफ 49 जस्ट ऑफ 36 डिलीवरी, उबैद 1 ऑफ 1, स्कोर इज 148 for 6, 16.1 ओवर हैज बीन बोल्ड। उबैद, अच्छा अदनान अभी क्रीज पर है, 49 पर, एक और सिंगल चुराते 149 का स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पर 16.2 ओवर के बाद बिजबाड़ा क्रिकेट ग्राउंड की अगर मैं बात करूंगा, लॉर्ड्स, हम इसको कश्मीर के लॉर्ड्स से जानते हैं। अदनान ने इस गेंद को खेल दिया है और गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस तरह से वेल प्लेड अदनान टॉक, 54 अदनान टॉक, वेल प्लेड अदनान, उसमें एक लंबा छक्का भी गया था, तो स्कोर बढ़ता हुआ 100, बैट्समैन ऑन 50 अदनान टॉक, बैट्समैन को बैट दिखाना चाहिए, 50, यस वेल प्लेड अदनान टॉक, यू ब्यूटी। तो यहां स्कोर बोर्ड पे तो वही आ रहा है, अदनान ही आ रहा है स्कोर बोर्ड पर अभी तक। अच्छा,
उबैद बशीर और वन इस बीच अगली गेंद स्कोर 148-6 अदनान टॉक आउट होकर चले गए हैं 49 रन बना के। तो आबिद इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए तेज कदमों के साथ दौड़ते हैं, दिल स्कोप के अंदाज में खेला लेकिन वाइड का इशारा, स्कोर में एक और रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हो 140। वाइड गेंद का इशारा रिप्ले में हमें बिल्कुल दिख रहा है तो स्कोर 148। दिस वन हैज बीन प्लेड, लेट अस वेट एंड सी जस्ट फॉर वन मोर। दे आर गोइंग फॉर द सेकेंड, मिस फील्डिंग इन द प्रोसेस, दे आर स्टिल इन टू रनर्स, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। उबैद ने जबरदस्त वहां पर उन्होंने रन लिया, जहां एक ही रन था वहां उन्होंने एक को दो में तब्दील किया, तो बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा खेला, एक रन पूरा किया, एक ही रन मिलेगा, वहां फील्ड होती है, वापस बॉलर को दी जाए गेंद। तो उबैद ने एक और सिंगल चुराया, कमवल टाइगर्स और आईबी स्पोर्ट्स के दरमियान आगे आए और गेंद को निकाल दे, एक रन पूरा किया, दोनों बल्लेबाजों की बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सोच बढ़ गया और इस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने एक और सिंगल चुराया। और इस तरह से बल्लेबाज पीछे रह गए और बिल्कुल सटीक थ्रो लगा विकेटों पर, इस तरह से एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर सातवां झटका लगता हुआ कंवल टाइगर्स को। एक और डॉट गेंद, इसके बाद एक ओवर आने को बाकी है। हाँ, अदनान का जो विकेट गया उससे स्कोरिंग में एक रोक, कुत्ता देखिए किस तरह का माहौल बन रहा है बीच टर्फ पर। ये इंटरनेशनल मैचेस में भी हमें ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, वाइड का इशारा, तो बहुत इसे जो माहौल है, हालांकि आज तमाशाबीन अगर कम है लेकिन कल की अगर मैं बात करूंगा यू विल फाइंड फुल क्राउड हियर, यानी यहां पर बैठने की जगह भी तक भी नहीं होगी, उतना क्राउड रहेगा क्योंकि जब परवेज रसूल जब खेलेंगे यहां पर तो लोग बिल्कुल उमड़ आते हैं, काफ़ी दीवाने हैं उनके। अगर मैं फैन फॉलोइंग की बात करूँगा, परवेज रसूल जैसी फैन फॉलोइंग किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसके पास दो चीज़ें, अगर मैं कहूँगा ही इज़ द बेस्ट ऑल, अगर मैं आपको बताते चलूँ रांझी में दो साल कंटिन्यू वो बेस्ट ऑलराउंडर रहे, कोई मामूली बात नहीं, रांझी की अगर मैं बात, तीन साल बेस्ट ऑलराउंडर रहे, तो अगर मैं रांझी की बात करूँगा वो एक ऐसा होता है कि वहाँ से आपको बिल्कुल इंटरनेशनल का जो डोर है वहाँ से आप उसको नॉक कर सकते हैं। लेकिन परवेज़ रसूल की अगर मैं बात करूँ, IPL उन्होंने खेला, इंटरनेशनल खेला, हर ओवर उन्होंने रनस बनाए, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर मैं समझूंगा परवेज रसूल का है वो बिल्कुल। और एक और इस तरह से मुझे लगता है दोनों बल्लेबाज वापस आते हुए तो इनिंग्स का खात्मा। इससे पहले कि मैं आपको छोड़ जाऊंगा, परवेज रसूल की अगर बात करूंगा, क्रिकेट को डेवलपमेंट में जिनका उतना हाथ है मुझे लगता है पूरी वैली में नहीं, टर्फ क्रिकेट का यहाँ पर उन्होंने इंडिया दिया हमारे साउथ को, उसके साथ साथ
छोटे बच्चों के लिए कैंप मुकर्रर करते हैं, सुबह बच्चे आते हैं 7:30 को, उनके साथ टाइम बिताते हैं और जब भी कोई बच्चा सेल्फी लेने के लिए जाता है तो उसे रोकते नहीं। दैट वॉज फ्रॉम द